जब बैलेट पत्र से चुनाव नहीं जीत पाते थे तो रात के अंधेरे में लाइट ऑफ कर दी जाती थी और उधर का बैलेट इधर रख करके ऊपर से एक और नीचे से एक डाल के उसकी गिनती हो जाती थी। श्रीमान मनोज झा जी, संगत से गुण होत है संगत से गुंजात, जिनके साथ बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं और मनोज जी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखना चाहिए। ये अब पहले का बिहार नहीं है, ये पहले का देश नहीं है, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। 295 प्लस की बात कर रहे, कह रहे हमारी सरकार बनेगी, 4 जून का नतीजा आ रहा है। 95 प्लस अगर हो जाए तो मेरी बात लिख कर रख लीजिएगा, आप केवल गिनती में 16 घंटे बचे हुए हैं। कह रहे 295 पार नहीं आया तो आप लोग गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ईवीएम को कोई माई का लाल हैक नहीं कर सकता है। जब ही ये चुनाव होते ही ईवीएम का रोना ये लोग रोना शुरू कर देंगे, वो आपको अब दिख रहा है। बिहार में 25 से 30 की बात कर रहे हैं वो लोग, अब उनको मालूम नहीं कि बिहार में कल रिजल्ट आने दीजिए 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि डीएम हो, आरओ हो, चाहे एआरओ, वो जो है गड़बड़ी करने के बारे में सोचे भी नहीं, अगर गड़बड़ी करने की सोची भी तो जनता जो है अनियंत्रित हो जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं मनोज झा जी तो साफ रूप से धमका रहे हैं। मनोज झा जी, श्रीमान मनोज झा जी को अपना समय लालू यादव जी वाला समय याद आ रहा है कि जब बैलेट पत्र से चुनाव नहीं जीत पाते थे तो रात के अंधेरे में लाइट ऑफ कर दी जाती थी और उधर का बैलेट इधर रख करके ऊपर से एक और नीचे से एक डाल के उसकी गिनती हो जाती थी। शायद श्रीमान मनोज झा जी, संगत से गुण होत है संगत से गुंजात, जिनके साथ बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब से एनडीए की सरकार देश के अंदर आई है, ईवीएम प्रणाली से चुनाव होने लगा है, इस देश का अंतिम गरीब व्यक्ति अपने मत को खुलकर डालता है और वह सही सरकार बनाने का काम करता है। मनोज जी को पेशेंस रखना चाहिए और मनोज जी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखना चाहिए। ये अब पहले का बिहार नहीं है, ये पहले का देश नहीं है, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। 295 प्लस की बात कर रहे, कह रहे हमारी सरकार बनेगी, 4 जून का नतीजा आ रहा है। 95 प्लस अगर हो जाए तो मेरी बात लिख कर रख लीजिएगा, आप केवल गिनती में 16 घंटे बचे हुए हैं। 16 घंटे बाद मुलाकात करिएगा ज़रूर, आप इधर उधर मत भटक जाइएगा। अगर 95 पार इंडी अलायंस हो गया तो आप हमसे एक मुलाकात जरूर करिएगा। कह रहे 295 पार नहीं आया तो आप लोग गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ईवीएम को कोई माई का लाल हैक नहीं कर सकता है। ये जो बात मैंने पहले से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब ही ये चुनाव होते ही ईवीएम का रोना ये लोग रोना शुरू कर देंगे, वो आपको अब दिख रहा है। बिहार में 25 से 30 की बात कर रहे हैं वो लोग, अब उनको मालूम नहीं कि बिहार में कल रिजल्ट आने दीजिए 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा है कि देखिए ईवीएम में कोई माई का लाल गड़बड़ नहीं करेगा। वहीं पे जिस तरीका से मनोज झा ने कहा है कि डीएम हो, आरओ हो या एआरओ, गड़बड़ी करने के बारे में सोचे भी नहीं, नहीं तो जनता जो है वो अपना सीमा लांग जाएगी। अब इसको लेकर के जब बातचीत की गई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जीवेश मिश्रा से तो वो खूब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए मनोज झा जो है फिर से वही दिन को याद कर रहे हैं और वो जिस संगत में हैं उस संगत के वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल जो है 4 जून के नतीजे आएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी। वही 295 की बात को लेकर के खूब भड़क गए और कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, फिर से जो है 16 घंटे बाद हमसे मुलाकात कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि इंडिया वाले क्या कुछ कहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।